हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हॉबीज गार्डनिंग में। और दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे प्लांट जो कम केयर में, कम फर्टिलाइज़र में और कम पानी में और छोटे छोटे पॉट में भी आप उनको ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट जिनके यहाँ पानी की समस्या होती है, ज़्यादा पानी नहीं आता है, और तो उनके लिए ये प्लांट हैं, या जो नई नई गार्डनिंग करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं है, उनके लिए हैं। इजी टू मेंटेन और कम फर्टिलाइज़र में चलने वाला प्लांट जो हमारे गार्डन में सुंदरता तो लाता ही है और उसके साथ साथ हमारी गार्डनिंग को भी इजी कर देता है, जिससे कि हमें कोई परेशानी नहीं होती है, देखभाल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि हमें बहुत ज़्यादा उनकी देखभाल करनी है, उनकी केयर करनी है। तो इसी तरह के प्लांट मैं आपके लिए आज लाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा वीडियो। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग, मैं मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुँच जाएँ। दोस्तों, चलिए तो आपके साथ में वीडियो शेयर करते हैं आगे का कि वह कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं। और देखिएगा आप लोग जो बताइएगा आपको अच्छा लगा वीडियो या नहीं। और मेरी एक प्यारी सी व्यूअर, मेरी सब्सक्राइबर ने इंग्लिश IVY देखने की इच्छा जाहिर की है, तो मैं उनकी ये बात को देखिए पूरा कर रही हूँ। ये मेरा इंग्लिश IVY प्लांट है और आप लोग देखिए इस तरह से बास्केट में जब हम लगाते हैं तो इस तरह से ये हैंग होता है और इसकी लीव्स वेरीगेटेड हैं, ये देखिए खूबसूरत लगती हैं इस तरह से। और इसको हमें क्या है, बारिश के पानी से हमें इसको बचाना होता है। इसकी लीव्स मोटी मोटी हैं, इनमें खुद देखिए फ्लफी सी, इनमें नमी होती है इसलिए इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको भी अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, छोटे पॉट में भी चल जाएगा और कम पानी में, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा पानी नहीं आना है लीव्स पे भी, तो इस तरह से हो जाता है। अगर हो जाए आगे से तो उसको हटा दीजिए, लीव्स हो गई है तो उसको हटा दीजिए। और ये देखिए इस तरह से, ये भी कम पानी में चलने वाला प्लांट है, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, छोटे पॉट में भी इजली से चलता है। और इसमें एक बात और है, इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। ये देखिए इसी में से कटिंग लेके मैंने पहले ये प्लांट तैयार किया, ये मेरा तैयार हो गया है। और मैंने फिर ये दूसरी कटिंग भी इसी में मैंने लगा दी और ये देखिए दूसरी कटिंग भी मेरी ग्रो हो गई है और ये देखिए नए नए किले भी आ गए हैं। और इसी में ये भी आ गई है, शीट गिर गए होंगे, ये देखिए अपने आप ही ये देखिए ग्रो हो रहे हैं प्लांट, ये देखिए छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये यही हैं, ये ग्रो हो रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश IVY जो आपके साथ मैंने शेयर की। ये देखिए कनेर भी इसी में आता है, आप देखते हैं रोड साइड में कनेर के प्लांट लगे होते हैं, ये देखिए फूल आने वाला है क्योंकि इनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए मैंने छोटी सी बोतल में मैंने इसको लगाया हुआ है, ये देखिए छोटा सा पतला सा डिब्बा है, इसी में मैंने इसको लगाया हुआ है, कटिंग के द्वारा मैंने ये तैयार किया है और ये 1-1.5 साल से इसी में ही है। और इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप आती है तो। इसको फर्टिलाइज़र और केयर, पानी कुछ नहीं आपसे चाहिए। और जब इसका मौसम आएगा सीजन, तो ये आपको फूल भी देगा और अच्छे से आपके गार्डन में फ्लावर्स खिलाएगा। उम्मीद करती हूँ प्लांट अच्छे लगेंगे आपको, अच्छे लगें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
उसी लिस्ट में ये हमारा फूलों वाला सदाबहार का प्लांट भी आता है। ये अपने आप शीट से ग्रो हो जाता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। चलिए आपको मैं ये वाला प्रूफ के साथ मैं इस बात को बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अपने आप शीट गिर गया होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा सदाबहार का प्लांट था, पहले गिर गया है। तो देखिए कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए दीवार में सदाबहार का प्लांट चल रहा है, जैसे कि पीपल चल रहा है, देखा आप लोगों ने। तो ये सदाबहार भी बहुत ही हार्डी प्लांट है जो अपने आप ही ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। तो इसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये धूप का प्लांट है सनलाइट, क्योंकि ये धूप फ्लावर वाले प्लांट को धूप की नीड 100% होती है, उसे धूप चाहिए ही चाहिए दोस्तों। ये देखिए बहुत ही हार्डी प्लांट है जिनमें हमें रोज़ पानी नहीं देना होता है, हफ्ते में एक बार पानी दे देंगे समर में, तो भी ये प्लांट हमारे आसानी से सर्वाइव करते हैं और ज़्यादा केयर और फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं मांगते हैं। तो इन्हीं प्लांट में ये देखिए पोनी टेल भी आता है, इसी में एक बिग साइज़ का भी है। और आपके पास जगह नहीं, आप छोटे पॉट में भी इसको यूज़ करके इस तरह से बोनसाई का लुक दे सकते हैं। देखिए नीचे से दो किले और भी आ गए हैं, इस तरह से दो आ गए हैं, तो ये इसमें से ही निकल आए हैं। जब आप इस तरह से इसको रखेंगे और इसको बस साल में दो बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए, और ये जो इसका कोडेक्स है जैसे अलेनियम में होता है वैसे इसमें भी होता है पोनीटेल में, ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। उसी में आते हैं ये हमारा स्नेक प्लांट, एक वो लॉन्ग वैरायटी होती है और ये ड्राफ्ट वैरायटी है। दोनों में ही पानी की कम ज़रूरत होती है और हमें इनमें रोज पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं फूल की तरह, और इन्हें खाद भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। साल में दो बार खाद दे दीजिए, ये आसानी से ग्रो होते रहेंगे। चाहे गोबर की खाद दे दीजिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप दे दीजिए, और ये आपके गार्डन में फूल की तरह बिल्कुल नज़र आते हैं। ये देखिए ये अलग शेड है, हर शेड में हर तरह का अब तो प्लांट आने लगा है, तो इसमें भी कई वैरायटी आ गई हैं। एक आता है जिसमें आउटर लाइन येलो होती है गोल्डन सी, वो भी था मेरे पास, मैं लाई थी लेकिन वो मेरा नहीं चला, और तब से मैं देख रही हूँ कहीं मुझे मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि उसमें नीचे फंगस लग गई थी। जब मैं लाई थी तभी वो बीमार था और मैं समझ नहीं पाई। तो प्लांट्स को लाना, उसकी देखभाल करना, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए सारे फूल की तरह लग रहे हैं जितने भी हैं, ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत। छोटे छोटे पॉट में आपके पास स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, प्लांट्स का शौक है, तो आप इस तरह के प्लांट अपने गार्डन में ऐड कीजिए और छोटी छोटी जगह में टेबल पे कॉर्नर में उनको डेकोरेट कीजिए। ये आप घर के अंदर भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं, बस बीच बीच में हल्का सा धूप दिखाते रहिए और ये आसानी से ग्रो होते रहेंगे। और ये देखिए मेरा जीजी प्लांट है, ये है ब्लैक जीजी, ये है ग्रीन जीजी, दोनों को ही केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप केयर करेंगे, इन्हें टाइम टू टाइम पानी देंगे, खाद देंगे, तो ये प्लांट हमारे अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। जब हम इनकी केयर नहीं करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं ऐसे ही, तभी ये हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। 10-15 दिन में इन्हें एक बार आप वाटर दे दीजिए, क्योंकि इनके अंदर गोल गोल आलू की तरह राइजोम होते हैं, उनमें वाटर होता है, इस वजह से इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इनको ज़रूरत होती है उसी में से ये लोग अपने लिए पानी ले लेते हैं, और ये आसानी से प्रोपोगेट भी हो जाता है। सिंगल लीव से भी प्रोपोगेट होता है और स्टेम से भी ये प्रोपोगेट होता है। बस इसकी मिट्टी आप वेल्डन तैयार कीजिएगा, ये जो ताकि पानी होल्ड नहीं होना चाहिए, होल्ड होगा तो इसमें जो राइजोम है वो गल जाएगा, उसके गलने से प्लांट आपका बेकार हो जाएगा। और ये देखिए मैंने लीव से ही प्रोपोगेट किए हैं, ये छोटे छोटे जो आए हैं मैंने इसमें लीव्स मैंने लगा दी थी, उसी से ही ये
तैयार हुआ है हमारा प्लांट। इसी तरह से ये हमारा है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी अगर हम ज़्यादा केयर करते हैं तो ये आसानी से अच्छे से नहीं चलता है। इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं, ब्राइट लाइट में आप इसको अंदर रख सकते हैं। ये देखिए सिंपल वाला है और ये वेरीगेटेड है। तो इस तरह से इनको भी अगर आप हफ्ते में एक बार पानी देंगे तो भी ये आसानी से चल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं जो हमारे घर में अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। जितने भी प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो सभी देखने में बहुत खूबसूरत हैं। जो आपके गार्डन में रखें या अपने घर के अंदर रखें, ये प्लांट हर जगह चल जाएंगे। बस हर प्लांट को ब्राइट लाइट थोड़ी सी तो चाहिए ही होती है, इस बात का ख्याल रखना होगा। ये हमारा स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट को भी ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता। इसमें भी नीचे बल्ब से होते हैं लंबे लंबे, उनमें वाटर सोक रहता है क्योंकि उसी में ये लोग अपना वाटर सोक कर लेते हैं, तो उसी से अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करते रहते हैं। और अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग कर दी इनमें तो ये प्लांट बेकार हो जाते हैं, फिर ये गलना स्टार्ट हो जाती। इनकी जो लीव्स हैं ये नीचे से ही गलना शुरू हो जाती। मैं इसमें पानी देती ही नहीं हूँ, बस इसी के ऊपर मैं शावर करती हूँ बस, और उसी से ये देखिए जब से मैंने जैसा लगाया है वैसा ही है। और इसकी देखिए ग्रोथ भी हो रही है, ये देखिए न्यू लीव्स आ रही है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आराम से इजी टू ग्रो मेंटेन होने वाला प्लांट है ये है। ये देखिए इस तरह से ये लीव्स में वेरिगेशन होता है, जो मैं आपसे मैं कह रही थी साइड में येलो होता है। इसी में एक ड्राफ्ट वैरायटी आती है, जैसे मैंने वो छोटे वाले सिंसवेरिया दिखाए वैसे ही होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये धूप में रखेंगे तो ही ये वेरिगेशन आएगा, और जब आप छाई में रख देंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसको वेरिगेशन में जितने प्लांट्स हैं जितने, उनमें वो धूप तो चाहिए ही चाहिए, वरना वो फिर उनके अंदर से वो वेरिगेशन ख़त्म हो जाता है। और इनको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से ये ढुलक जाएंगे, ठीक है ढुलक जाएंगे। एक तो ये जो लंबा भी हो गया है, और मेरा कप देखिए इतने छोटे से पॉट में मैंने इसको लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे प्लांट भी दिखा रही हूँ जो कम पानी में चलते हैं और प्लस छोटे पॉट में ग्रो हो जाए। ऐसे प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो लोग ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहते गार्डनिंग में उनके लिए। और ये देखिए हमारे जेट प्लांट हैं। जेट प्लांट भी हमारे बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। इनके बोनसाई तैयार कीजिए, टोपियारी तैयार कीजिए, प्लांट तैयार कीजिए, झाड़ी तैयार कीजिए, जैसा मन हो जंगल तैयार कीजिए, आप एक ट्री का लुक दीजिए, उसको डेकोरेट कीजिए, जैसे भी आप चाहें वैसे आप इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत के साथ साथ हमारे घर के लिए शुभ भी होते हैं जेट प्लांट। और इनको लगाना बहुत ही अच्छा होता है हमारे घर में, तो इसलिए हमें इनको जेट प्लांट को लगाना चाहिए। और आपको दिखाते हैं मैंने कैसे छोटे छोटे पार्टों में इनको लगाया। देखिए एक ये बिग साइज में मैंने ये बोनसाई तैयार किया हुआ, ये देखिए इसकी रूट्स इस तरह से। और एक ये मैंने प्लांट पेड़ का लुक दिया है, अभी इनकी सबकी मुझे ट्रिमिंग करनी है। और एक ये देखिए मैंने ऐसे ही इधर उधर लगा के बीच में बुद्धा को बैठाया हुआ है। और ये देखिए छोटी सी बोतल से तैयार किया था, उसमें भी कटिंग लगा दी। ये मेरा कप है जो मैंने अपने हाथ से इस पर फेस ये तैयार किया था, इसमें भी ये देखिए लगी हुई है। और ये मेरा वो है चॉपर, चॉपर का ये डिब्बा है, उसमें भी ये लगा हुआ है। और ये देखिए डिस्पोजल जो आता है जिसमें कोई थोड़ा बहुत सामान आता फ़ोन का, ये उसका बॉक्स है। ये देखिए इसमें तार और चार्जर वगैरह रख के आया था, ये वही है, इसमें भी मैंने लगा दिया। ये देखिए बाउल है हमारा चीनी मिट्टी का, इसमें लगाया। ये देखिए पाउडर
का डिब्बा है जाने परफ्यूम का ढक्कन है उसमें भी मैंने लगा दिया। ये मेरा ग्लास ब्रोकन हो गया था इसमें लगा दिया। ये देखिए मटकी। इस तरह से आप छोटे छोटे पॉट में अपने ये प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इनमें। बस आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या चाय की पत्ती, होम मेड घर का फर्टिलाइज़र भी आप इसमें चाय पत्ती और कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। महीने डेढ़ महीने में या दो तीन महीने में एक बार डाल दीजिए, पर इनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है। ये इनके लिए प्लस है कि आप अगर सनलाइट में नहीं रखेंगे तो ये प्लांट आपके बेकार हो जाएंगे। और जो प्लांट मैंने पहले दिखाए हैं वो सेमी शेड में चल जाते हैं और घर के अंदर भी सर्वाइव होते हैं, पर इसको फुल सनलाइट की नीड है। ये देखिए, ये है पोनीटेल फार्म। इसी का मैंने छोटा रूप आपके साथ शेयर किया जो मैंने छोटे पॉट में लगाया। आप पास स्पेस है तो आप इस तरह से बिग पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसका पौधा बहुत खूबसूरत होता है और ये ऐसे दोनों साइड से लीव्स इसकी झुकी हुई होती, इसलिए इसको पोनीटेल पाम कहते हैं। ये चंपा भी इसी में आता है। चंपा में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। चंपा बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप इसमें 4-5 दिन में भी पानी देंगे तो भी ये ऐसे ही एग्जैक्ट रहेगा, बहुत ही हार्डी होता है। पर अब जो प्लांट मैं बता रही हूँ इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे सनलाइट आए वहाँ पे आप इनको आप प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए कितना छोटा पॉट है। ये भी नहीं कि पॉट मेरा 10 इंच का होगा, इतना ही मेरा पॉट है। और देखिए प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। इधर देखिए, ये भी मेरा इतने छोटे से ही 10 इंच में है। और ये देखिए फ्लावर्स भी आने वाला है। तो ये छोटे छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं। ये मैं हल्दी प्लांट ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जिनको कम पानी की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।